वो साधुओं के चक्कर में पड़े थे। एक ने बताया कि मन दो तरह का होता है, एक होता है परिणामी मन और एक होता है मुस्तकिल मन। ये उर्दू के शब्द में एक मन होता है जो चिंता करता रहता है और एक मन होता है जो अपनी जगह पर रहता है। कायम मुकाम नहीं है, मुस्तकिल अपनी जगह पर। अच्छा, हम बोलते हैं जब राम 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 वो जो मुस्तकिल असल मन होता है वो तो बोलता है राम राम, और परिणामी मन जाके सुन जाता है दिल्ली कलकत्ता मद्रास मुंबई। तो ये तो क्रिया ऐसी है मन की क्रिया, वो बंधी हुई है अपने असल मन के साथ, फटफटाती है इधर उधर जाती है। तो सब में होता है यथा सूत्रे न प्रबंधक पत्नी दिखम दिखम प्रदेशवा अन्यत्र आयतन अलगवा आवंधन देवोपात करते। एक क्रिया को रस्सी से बांध रखा है, वो तड़फड़ाती है इधर होती है उधर होती है उधर होती है, पर बंधी हुई जो है ना एक जगह पर, और जब तड़फड़ाते तड़फड़ाते थक जाएगी तब जहाँ बंधी हुई है वहाँ आके अपने आप बैठ जाएगी। जब जहाज को समझी उन जहाज पर आवे है। एक पानी का जहाज समुद्र की यात्रा कर रहा था, उसके मस्तूल पर बैठ के गिर गया। अब महाराज जहाज पर चला गया बीच समुद्र में, तो चिड़िया उड़ने की कोशिश करे कि हम किनारे जाए। अब जिधर जाए उधर किनारा तो मिले नहीं, तो फिर बिचारी लौट के आवे और उसी जहाज पर बैठ जाए। तो ये जो मन है ना मन, ये तो अपने भीतर रहने वाला जो परमेश्वर है उसके साथ बंधा हुआ है, ये कभी तुमको छोड़कर जाएगा। जागृत में लगता है मन गया कहाँ गया, आप बताओ कहाँ गया। अरे भले मानुष कलकत्ते चला जाता तो तुम यहाँ बेमन हो जाते ना, तुमको हवा लगती है, तुम सांस लेते हो, तुम्हारी नाड़ी चलती है, तुम्हारा खून चलता है, तुम्हारा मन शरीर छोड़ के कलकत्ते काम। अरे कलकत्ते कितने डर गया था कहने को, जरा चिट्ठी लिख के पूछो तो हे बोल तुम्हारा मन खुल के तुम्हारे पास गया था, बिल्कुल बेकार है ना। मन हमारा कलेजा छोड़कर कभी कहीं किसी के पास नहीं जाता है, बड़ा वो कलेजे में बंधा हुआ है। ये भ्रम है कि हमारा मन जाता है। अच्छा भाई कलकत्ते ही अपन जगह सोच के हमारे मन में आ गया, दूर दूर हो जाओगे बाबू अगर ऐसा होगा, कलकत्ते भी इतना हो गया इतना बड़ा शहर है कि वो तुम्हारे कलेजे में घुस के घुस जा रहे तो तुम्हारा कलेजे ही फट जाएगा। तो कलकत्ता है अपनी जगह पर, वो आया नहीं तुम्हारे मन में, और मन तुम्हारे कलेजे के साथ बंधा हुआ है, वो गया नहीं कलकत्ते में। तब हुआ क्या कि मन की चंचलता का भी एक भ्रम होता है, बोला ये भी एक भूल है जो हम समझते हैं कि हमारा मन कहीं चला गया या हमारे मन में कुछ आ गया। तो मेरा जब दुख हो रहा था ना, जो फिर हमने सपना देखा हम हवाई जहाज में करके इटली में लड़ाए हुए युद्ध में, हम थे हमारे कई मित्र दादा कृष्णदास जी थे, गांधी जी के साथ रहते थे, उन्होंने सात सात बरस 14 बरस का इतिहास लिखा है गांधी जी का, दादा कृष्णदास। और हमारे पास भुवनेश्वर नाथ जी कुमार थे, लक्ष्मण नारायण गर्दे थे, हम लोग हवाई जहाज पर बैठे थे। श्रीमनलाल गोस्वामी इतनी सी लड़ाई देखने के लिए गए, अब वो महाराज वहां जाके क्या किया उन लोगों ने, तो हमको तो हवाई जहाज से नीचे उतार दिया और खुद हवाई जहाज लेके उड़े। अब हम पुकारे
अरे बाबा हमको यहाँ जो भूमि में छोड़ के मत जाओ, और जब ज्यादा हो हुआ ना तो क्या हुआ, ये टूट गई। हमको देखते हैं कि हम तो अपनी जगह सो रहे हैं, तो वो क्या हुआ, स्वप्न में हम कहीं गए आए नहीं हो, जाना आना मालूम पड़ा। इसी प्रकार जब हम जागते जागते सपना देखने लगते हैं, संस्कृत भाषा में इसको दिवा स्वप्न बोलते हैं, संस्कृत भाषा में इसका दिल में सपना देखना है। तो हम बैठे हैं अपने घर में आनंद से और देख रहे हैं, आहा हम तो पहुंच गए दिल्ली, और हम ये बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, ये सब दिवा स्वप्न है। बोलो जागते हुए सपना आता है, तो असल में आपका मन कभी चंचल नहीं होता, चंचलता का बिल्कुल भ्रम रहता है। यदि आप कभी मन के स्वरूप का विचार करेंगे तो मन में कल्पना पर कल्पना, जहाँ मन है वही हो कलेजे में, जैसे शीशे में तरह तरह की तस्वीर दिखती रहे, वहाँ देखते हैं नहीं आप, तो पर्दा तो क्यों करते हो रहता है, उसमें क्या कोई सुंदरी आती है, उसमें क्या कोई गुंडा आता है, अरे वो तो वही उसी पर्दे पर हो। अच्छा मालूम पड़ता है ये तस्वीर 2 मिनट, अच्छा कोई तस्वीर सिनेमा के पर्दे पर 2 मिनट दिख सकती है, अरे वो तो स्क्रीन चलता रहता है, वो तो वही भ्रम होता है कि हम 4-2 मिनट तक कोई तस्वीर देखते, तो नई तस्वीर आती रहती है वो, और काल का भ्रम होता है कि 2 मिनट से हम नई तस्वीर देख रहे हैं। ऐसे ये मन जो है, आओ भाई और जब करो उसने एक चीज आने को, कृष्ण 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 श्री कृष्ण आने को, देखो आपकी बुद्धि में ये भगवान का नाम है, आप बड़ी श्रद्धा से इसका उच्चारण कर रहे हैं, उच्चारण की क्रिया रूप धर्म संपन्न हो रहा है, और बारंबार 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 उच्चारण करने से आपका प्राण संयम जा रहा है और मन घूम फिर करके आपके पास आ रहा है, और एक भगवान का स्मरण हो रहा है। तो आप थोड़ा पाठ किया कीजिए, है ना, थोड़ा जप किया कीजिए, जपत श्रांत करे ध्यानम, ज्ञान श्रांत करे जपम, जपत ज्ञान परिश्रांत आत्म तत्व विचारे। जब करते करते यदि ऐसा लगे हाथ रख के जप नहीं किया जाता हूँ, माला हाथ में लेके ऐसे रखना हाथी के सामने, और उसमें सर्जनी उंगली नहीं लगनी चाहिए, जो डांटने वाली है ना, हाँ डांटने वाली, लोगों को जब डांटना होता है तब इसका प्रयोग करते हैं, और फिर डांटने वाली उंगली भगवान का नाम लेते समय डांटने का काम नहीं करना, बोला ये उंगली नहीं लगाना, सर्जन माने डांटना होता है, सर्जनी। अच्छा अब देखो, आप एक बात देखो, यदि आपको नींद आने लगेगी तो आपका हाथ यहाँ नहीं रहेगा, जब जाएगा जगाने का काम है कि नहीं, यदि आपका मन कहे दूसरी जगह चला जाएगा, वो जो गिनती कर रहे हैं ना वो नहीं होगा। अरे ये मन मन की गिनती हो, ये फालतू है ना, जब करना चाहिए विधि शास्त्र के अनुसार। अब जब हाथ को आप रख देंगे ध्यान पर या पांव को, तो नींद आवेगी तो पता नहीं चलेगा आपके मन में कौन रहेगा, ये कोई बहुत भूल बात नहीं है, मुश्किल नहीं है। आप जिसको चाहेंगे वही रहेगा, हाथ पाँव पीटने से कुछ फायदा नहीं,
ये इच्छा नाम की जो वृत्ति है ना निष्ठा, ये हमेशा अपने पेट में अपने विषय को रखती, यानी जब हम किसी को चाहते हैं, किसी चीज को चाहते हैं, तो वो हमारे मन में फुर्ती रहती है। ये तो कोई ऐसी ही मुश्किल बात नहीं है, दूर बात नहीं है कि लोग उसको न समझ सकें। आखिर सत्संग तो समझदारी के लिए ही होता है। आप बताओ, जब आप बेटे को चाहते हैं तो आपके मन में बेटा रहता है कि नहीं? जब आप अपनी पत्नी को, अपने पति को चाहते हैं तो आपके मन में आपका पति, आपकी पत्नी रहती है कि नहीं रहती है? तो इच्छा जो है वो कभी निर्विधेयक नहीं रहती, माने खाली नहीं रहती। आप कुछ चाहते हैं, जिस कुछ को चाहते हैं वही आपके मन में है। अब आप कहते हैं हमारा मन भगवान में नहीं लगता, तो भाई आप भगवान को कितना चाहते हैं तो आपको मालूम है, और उसको गुरु जी क्या बता रहे हैं, तो आपको मालूम है कि आप भगवान को कितना चाहते हैं, और जितना चाहते हैं उतना भगवान आपके मन में दिखाई पड़ता है। हम चाहते हैं मुरली मनोहर, सीता मंगलधारी, श्याम सुंदर, वृंदावन बिहारी, गोपाल लाल वालों के साथ दोनों कर रहे हैं, ग्वालियरों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम उनको एक बार देखना चाहते हैं। यदि देखना चाहते हैं तब तो आपके मन में दिख ही रहे हैं, चाहते क्या है? तो इच्छा और इच्छा का विषय, ये दोनों अलग अलग नहीं रहते। अच्छा, अब एक हल्की फुल्की बात समझें। हमने महात्मा से पूछा तो भगवान कैसे हुए हैं, आप लोग भी कभी पूछते होंगे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि भगवान कैसे मिले हैं, भगवान कैसे मिले हैं, भगवान कैसे मिले हैं। ये तुम जब करो तो भगवान मिले, इसमें कोई मंत्र जंतर की जरूरत नहीं। लेकिन ये बात आपके मन में कितनी देर रहती है वो तो देखो, कि भगवान कैसे मिले। हजार चीज तो चाहिए आपको, रुपया चाहिए आपको, इज्जत चाहिए आपको, रिश्तेदार चाहिए आपको, हुकूमत चाहिए, तो जो जो चाहिए वो तो आपके मन में आता रहेगा। कुछ प्राणायाम से कोई काम नहीं बनेगा, बोला थोड़ी देर प्राणायाम कर लो मन रुक जाएगा। हो हमको एक ने बताया था बचपन में कि जब मन में काम की वृत्ति आवे तो जरा सांस रोक लो, सांस रोकोगे तो काम की वृत्ति मिट जाएगी।